हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और ECS एस्टोनिया T10 लीग के एक और महामुकाबला मैच में जो खेला जाएगा टैलिंग यूनाइटेड वर्सेस टैलिंग हिपहॉप्स के बीच में। देखो भाई लोग, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। जैसे पिछले मैचों में हम लोगों ने यहाँ से ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके गए ना, इस मैच में भी हम लोग यहाँ से ताबड़तोड़ विन करके जाने वाले हैं और ताबड़तोड़ तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है, क्योंकि जो भी बंदे यहाँ से वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाते हैं 100% अच्छा ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके जाते हैं भाई। तो आपको भी अगर प्रॉफिट करना है ताबड़तोड़, तो आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है भाई, क्योंकि हम आपको यहां पर बताते हैं आपके लिए विनिंग टीम। और विनिंग टीम में हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी टीम में परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन, जो लॉजिकल होता है कैप्टन वाइस कैप्टन का, वो बहुत जरूरी होता है कॉम्बिनेशन आपका। अगर आपका परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन अगर मिल गया तो फिर आपका टीम जो है अच्छा रैंक करेगा। तो यहां पर हम आपको वो बताते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको अपना टीम कैसे बनाना है भाई, और कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ साथ कितने खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन करना है। हम आपको बताते हैं कि आपका 8 से 9 खिलाड़ी अच्छे परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन 2 से 3 खिलाड़ी अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, इसमें आपका कैप्टन वाइस कैप्टन भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है भाई लोग, हम आपको यहाँ पर बताते हैं ऐसे 5 लॉजिकल पंटर खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। हम आपको बताते हैं वो पंटर खिलाड़ी को लेकर चलने के लिए जो कि आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले हैं, और उस खिलाड़ी को अगर अपने टीम में इस्तेमाल करते हैं तो आपका टीम जो है वो बेहतरीन परफॉर्म करके जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखो भाई अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम पे आ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे जितने बंदे जुड़े हुए हैं सभी बंदे ताबड़तोड़ विनिंग करके जा रहे हैं और प्रॉफिट करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको विनिंग टीम दी जाती है जिससे कि आप विन कर सकें, ना कि लॉस हो। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टेलीग्राम पे हम आपको फाइनल टीम के साथ साथ जितने भी अपडेट होती है ना, सारा अपडेट हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो मैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर प्लेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई नए बंदे आ गए हैं खेलने के लिए, उसका डाटा हम आपको यहाँ पर शेयर करते हैं। और साथ में हम ऐसे लॉजिकल आपको टीम के साथ साथ ऐसी जानकारी देते हैं जो जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, कि कौन से खिलाड़ी कितने नंबर पे कुछ मैचों में पहले बैटिंग किए थे, कौन से खिलाड़ी अभी कैसे बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं, वो सारा जानकारी हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। तो आपको टेलीग्राम पे आकर जान आना बहुत जरूरी है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर ले आज के मैच के बारे में जो खेला जाएगा ECS एस्टोनिया T10। इसका जो मैच होने वाला है TU वर्सेस TH, इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे भाई यहाँ का पिच कैसा रहने वाला है और कहां पे मैच खेला जाएगा, किस खिलाड़ी को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, बल्लेबाज को सपोर्ट करने वाला है ये पिच या फिर बॉलर को या फिर ऑलराउंडर को। ठीक है, चलिए तो हम बात कर ले पहले थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन के, उससे पहले हम पिच का देख लेते हैं। अब जो एस्टोनिया का मैच खेला जा रहा है वो टैलिन ग्राउंड पर मैच खेला जा रहा है, और इसका जो आज का पिच रहने वाला है वो रहने वाला है बैटिंग फ्रेंडली और गुड फॉर पेसर के लिए काम करने वाला है। ठीक है भाई, तो आपको ऑलराउंडर पर ज्यादा फोकस करने होंगे आज के मैच में। अब चलिए बात करते हैं आज के मैच में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है भाई, कैप्टन वाइस कैप्टन। अपने टीम में आप कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिस खिलाड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन अगर अच्छे मिल गए तो फिर आपका टीम जो है वो बहुत परफेक्ट बनने वाला है। तो देखो, हम यहाँ पे आपको टोटल 4 खिलाड़ी देंगे कैप्टन वाइस कैप्टन का, जिसमें से आपको क्या करना है, T1 में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जाना है ए मसूद के साथ और एस चौहान के साथ। ये 2 खिलाड़ी को अपनी टीम में इस्तेमाल करना है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। T2 में आपको क्या करना है, एस गोच को और एस चौहान को, ये दोनों खिलाड़ी को अपनी टीम में यूज करना है दूसरे टीम में। ये आपके लिए मोस्ट वैल्यूबल और परफेक्ट आज के खिलाड़ी होने वाले हैं। आप इनका डाटा अगर चेक करोगे या फिर आप रिकॉर्ड देखोगे तो आपको मालूम होगा ये खिलाड़ी का परफॉर्म बहुत तगड़ा है, और आप इसे आंख बंद करके ड्रीम 11 में आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन करके जा सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपके लिए अच्छा मुनाफा करके देने वाले हैं। तो ये खिलाड़ी को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे लॉजिकल 5 पंटर खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में कोई नहीं सोचेगा लेकर के चलने के लिए भाई, लेकिन अगर आप उसे अपनी टीम में लेकर के चलेंगे तो फिर आपका टीम जो है बहुत कमाल का बनेगा और ताबड़तोड़ प्रॉफिट भी आप यहां से करके जाने वाले। तो ऐसे ही कुछ पंटर खिलाड़ी हम आपको देने वाले हैं, 5 खिलाड़ी जिसको अपनी टीम में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो भाई, यहां पे हम आपको टोटल 5 खिलाड़ी दिए हैं एज अ पंटर खिलाड़ी और ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी। इसे कैसे यूज करना होता है वो देख लो, आपको क्या करना है T1 में, T1 जाना है एस हुक के साथ, एम वलिक के साथ और यहां पर ई फेली के साथ। ये 3 खिलाड़ी को अपनी टीम में एज अ पंटर चूज करना है आज के मैच में। ठीक है भाई, T2 में आपको क्या करना है, ए सिंह को और के विस्लापो को, ये 2 खिलाड़ी को अपने टीम में एज अ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी यूज करना है। ये आपके लिए परफेक्ट सदस्य होने वाले हैं। अब इसमें से हमने आपको 5 खिलाड़ी दिया है, इसमें चाहे तो एक को ड्रॉप कर देना, लेकिन 4 खिलाड़ी को अपनी टीम में जरूर लेके चलना भाई, क्योंकि ये आपके लिए परफेक्ट सजेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये खिलाड़ी को अपनी टीम में जरूर जरूर इंक्लूड कीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट वैल्यूबल होने वाले हैं एज अ पंटर और ट्रम्प कार्ड के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि अब आपको अपना टीम कैसे बनाना है और कितने खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन करना है, वो हम जरा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर टोटल 5
5-6 का कॉम्बिनेशन यूज किया है, जिसमें से हमने विकेट कीपर के तौर पे 3 विकेट कीपर इस्तेमाल किया है, एस सुको, वी मलिक को और यहाँ पर ए निगम मेरे टीम में होने वाले हैं। बैटर में हमने यहाँ पर 1 बैटर यूज किया है बी जॉन्स को, और ऑलराउंडर में हमने यहाँ पर 5 ऑलराउंडर यूज किया आज के मैच में, डी रॉबसन को, ए मसूद को और एस गोज को और यहाँ पर एस चौहान और यहाँ पर फिर से एस चौहान मेरे टीम में होने वाले हैं, ठीक है। बॉलर में हमने यहाँ पर 2 बॉलर यूज किया है भाई, एम ओबिली और यहाँ पर के विसलप्पू, ये मेरे टीम में होने वाले हैं। अब देखो भाई, इसमें से हमने कैप्टन फिलहाल एस गोज को और वाइस कैप्टन ए मसूद को बना के रखा हुआ है। दूसरे टीम में हम यहाँ पर एस चौहान के साथ भी जा सकते हैं, कुछ चेंज भी कर सकते हैं, तो वो हम आपको कहाँ देंगे, टेलीग्राम पर, और फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम पर देंगे, तो आप हमें टेलीग्राम पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।